न्याय मिलेगा। एक बड़ी खबर है, इलाहाबाद स्पेशल कोर्ट आज साजिशकर्ताओं को सजा सुनाएगी। ये भी एक बड़ी और अहम खबर उससे जुड़ी हुई, यानी कि जो अभी आपने बताया कि 5 लोगों को पहले ही सजा मिल चुकी है और आज साजिशकर्ताओं को जिन्होंने षड्यंत्र रचा था इसके पीछे, प्लानिंग प्लॉटिंग की थी, आज उनको सजा मिलने वाली, उनके खिलाफ सजा। बिल्कुल, 5 जुलाई 2005 को परिसर में ये हमला हुआ था, ध्यान दीजिएगा, मंदिर परिसर में। हाँ, 5 आतंकवादी मारे गए थे, लेकिन 5 षड्यंत्रकारी जिन्होंने इन आतंकवादियों को तैयार किया, यहाँ का रूट बताया कि कैसे आपको हमला करना है, अब उन लोगों को, चूंकि ये तो बहुत आयाम होते हैं ना, किसी भी युवाओं को गलत रास्ते पर आप ले जा रहे हैं, लालच देकर आप ले जा रहे हैं। अच्छा राहुल, मुझे लगता है कि अनंतनाग में और जम्मू कश्मीर में जो युवा पत्थरबाजी करते हैं, कई लोग वो भी होते हैं जो इस तरीके से भटक जाते हैं और आतंकवादी बन जाते हैं। बिल्कुल, तो देखिए, राम जन्मभूमि परिसर में 2005 को आतंकी हमला हुआ था, ये भी आप जानिए। प्रयागराज की स्पेशल ट्रायल कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। नंबर दूसरी बात हमारी है ये, नैनी सेंट्रल जेल में अस्थाई कोर्ट में ये फैसला सुनाया जाएगा, यानी कोर्ट आज नैनी सेंट्रल जेल में लगेगी। नैनी सेंट्रल जेल में बंद है आतंकी हमले के आरोपी सभी 5। कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस 11 जून को पूरी हो चुकी है। कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस 11 जून को पूरी हो चुकी है, यानी उन 5 लोगों के बारे में बात सुनी गई है। कुल 63 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। ये भी समझिए आप, 5 जुलाई 2005 की सुबह करीब 9:15 बजे इन लोगों ने हमला करवाया था। राम जन्मभूमि परिसर में बम और गन से इन्होंने फायरिंग करवाई थी। ड्यूटी में तैनात सुरक्षा बल के कई जवान जख्मी हो गए थे, लेकिन हमारे जवानों ने बहुत मुस्तैदी से काम किया। कार्रवाई में जवानों ने 5 आतंकवादियों को ढेर कर दिया, इसके लिए सैल्यूट इन्हें। बाद में 5 और आरोपी पकड़े गए थे और जो नैनी सेंट्रल जेल में बंद है और जिनके लिए इस बार फैसला आने वाला है। बिल्कुल, इस हमले में 2 आम नागरिक भी मारे गए थे, ये बहुत दुखद, 2 आम नागरिक भी। हमले में मदद करने वालों में 5 आरोपी पकड़े गए थे। पहला आरोपी सहारनपुर के शेख जादगन्ना, बिल्कुल। दूसरा आरोपी कस्बा निवासी डॉक्टर इरफान है, ये डॉक्टर है, इसे ही पकड़ा गया है। दूसरा आरोपी कस्बा का रहने वाला डॉक्टर इरफान है। संजीव आजाद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। संजीव आजाद, नो डाउट आज 14 साल बाद अयोध्या के साथ निश्चित तौर पर न्याय होगा, जिन्होंने अयोध्या को दहलाने की साजिश रची, आज फैसला जो सुनाया जाएगा, इस बाबत अयोध्या में किस तरह से अलर्ट है और लोगों का क्या कहना है वो बताइए। जी राहुल, आपको बता दें कि लंबे इंतजार के बाद जो आज अयोध्या मामले में फैसला आना है, इसको लेकर जो अयोध्या वासी हैं, साधु संत हैं, वो सारे लोग एक जो आस लगाए थे, आज उनको एक संतुष्टि है कि जिस तरीके से उन्होंने हमला किया था, रामलला पे हमला किया था, अब उसे चमत्कार मान लिया जाए, नहीं हो पाया था। लोग हैं सब यही मांग करते आ रहे हैं, उनको जो है फांसी से कम ना दी जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। ये हमारे संवाददाता संजीव आजाद अयोध्या से, जिन्होंने जानकारी अहम दी है। और अब खबरों में आगे बढ़ने का वक्त हो चला है। प्रज्ञा, फटाफट खबरें बता देते हैं। सीएम योगी ने सख्त निर्देश दे दिए हैं कि कप्तान और कलेक्टर कैंप ऑफिस में बैठकर काम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, बल्कि हर हाल में 9:00 बजे दफ्तर पहुंच जाएंगे। एक्चुअली ये इसलिए कहना पड़ा प्रज्ञा, चूंकि कैंप ऑफिस में ही उनका आवास होता है, तो वहां से आप निकलिए, कंफर्ट जोन से बाहर आइए और देर रात दफ्तर की नींद लेकर के सुबह तक देर से सो के उठने के बाद नहीं काम चलेगा। सुबह सुबह 9:00 बजे आपको दफ्तर पहुंच जाना है और सभी की समस्याओं को खुद सुनना पड़ेगा। रिपोर्ट देखिए आप। सीएम योगी का सख्त फरमान,